थैंक यू सो मच अर्शद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया, एंड आई एम लाइक सो ग्लैड दैट वी आर डूइंग दिस इंटरव्यू. लास्ट नाइट जब मैं आपकी फिल्म अबू देख रही थी और बड़े मज़ेदार से रश ऑफ इमोशंस थे जो कि मैंने फील किए उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन थी, बहुत सारी चीज़ों को एकदम आपके सामने होती हैं, बट देन आप अचानक से आपको यू स्नैप आउट ऑफ इट ना, आप ओ अच्छा हाँ यस, सो वो वाली फीलिंग थी. और उसके बाद जब फिल्म ख़त्म हुई तो जो ऑडियंस थी, जो उनकी कनेक्टिविटी का लेवल था, दैट वाज अगेन अमेजिंग. आई जस्ट लव्ड इट. सो मैं ये कहना चाहूँगी, जब पहले भी हम बात कर रहे थे कि जब आप अपनी कोई ज़ाती लाइफ का एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करते हैं तो इट्स अ वेरी वेरी ब्रेव एक्ट, क्योंकि यू आर पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर एंड दैट इज़ अमेजिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड मुझे बताएं कि अबू के बनने का जो एक 5 साल का ड्यूरेशन है, वेयर यू कंपाइल्ड एवरीथिंग एंड brought it on the editing table and then writing and rewriting the script, how was it for you? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया. और इतना अच्छा लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है इस दरख्त के नीचे बैठने का. इतना अच्छा मौसम हो रहा है लाहौर में और हमारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, हमें ज्वाइन कर लिया है साथ में और उधर भी ज्वाइन किया. एंड दैट्स द फन, यू नो, फिल्म मेकिंग इज फन, इज़न्ट इट? यस इट इज इंडीड. The thing is, I wanted to make with Abu, I had very clear objectives, you know. पहली तो बारे में फिल्म स्कूल ख़त्म कर रहा था जब अबू की तबीयत ख़राब हुई, उनका इंतकाल हो गया. फिर मैं चाह रहा था कि मैं ना इसके बारे में कुछ नहीं होता छोड़ दें उन्हें, बच्चों को आप जो मर्जी वो करते हैं करने. अच्छा, आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे कैमरे के पीछे और कैमरे की बैक पर और फ्रंट पर जो बहुत सारा क्राउड है बच्चों का, जो कि इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है. यूजुअली दैट्स नॉट हाउ वी रिकॉर्ड, बट टुडे वी थॉट कि सिंस जो है हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो खुद ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, तो वी थॉट कि इट्स बेस्ट थिंग कि उसको जितना नेचुरल एनवायरनमेंट रिकॉर्ड किया जितना बेहतर है. सो और क्या पता इनमें से, जैसे हमारी हमारी कॉलीग कह रही थी कि इनमें से कोई कल का फिल्म मेकर बन जाए, अपनी स्टोरीज बताए, जैसे मैंने अपनी स्टोरी बताई है अबू फिल्म में. तो यही मैं कह रहा था कि अब मैं ना मैं एक्टिविस्ट भी था जब 9/11 हुआ, उससे मेरा बहुत इम्पेक्ट हुआ मेरी लाइफ को. मैं कनाडा में रहता हूँ और सारे मीडिया में ये आ गया कि मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, पाकिस्तानी आर टेररिस्ट. और मैं ये चाहता था कि ये मैं इसीलिए मीडिया में आया ताकि मैं ये मिथ डिस्पेल करूँ और मैं कहूँ कि हमारे बेसिक जो भी मसाइल हों हमारे मुल्क के लोगों के, हमारे अपने, लेकिन हम टेररिस्ट नहीं हैं. सही. और हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें डिग्निटी चाहिए. एनीवे 2011 में जब अबू का इंतकाल हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा बड़ा डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप था अबू के साथ. और जब आपका एक पेरेंट फौत हो जाता है तो बहुत मतलब डीपली आप अपने आप को एग्जामिन करते हैं, ज़िंदगी चेंज हो जाती है. तो मैंने सोचा कि इस रिलेशनशिप का मैं एग्जामिन करूँ एक फिल्म में. मैंने ये नहीं सोचा कि फिल्म में मैं अपने आप को भी डाल दूंगा और मैं इतनी पर्सनल चीज़ों की बात करूंगा फिल्म के अंदर. मैंने सोचा था कि अबू के बारे में कोई अच्छी सी फिल्म बन जाएगी. और मैं फिल्म स्कूल से निकल रहा था तो आई वॉज मेकिंग अ 5-मिनट वीडियो फॉर अबूज मेमोरियल एंड आई रियलाइज वी हैव दिस ह्यूज बॉडी ऑफ फुटेज. ओके. क्योंकि हमारी फैमिली इस्लामाबाद में रहती थी और वी वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल इन 1981 टू गेट अ VHS मूवी कैमरा. सही. तो आई हैव great archive of beautiful material from that time, so I thought okay I'll use that. So meri basically found footage film mein jo aap leka to usme maine thodi animation dal di, maine usme thodi bollywood hollywood clips dal di, thoda masala add kar diya, thoda mazedar kar diya, gaane shaane dale aur maine badi deep baaton ke bare mein baat ki, obviously badi personal baaton ke bare mein, badi kuch disturbing baaton ke bare mein, kyunki main chahta tha ki sab cheeze hum in discuss kare. क्योंकि हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा शर्म का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है और हम झूठ बहुत बोलते हैं और हम छुपाते हैं बातें, पर्दों में रखना चाहते हैं हर चीज़ पर्दे में. और अब ये टाइम आ गया कि हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, 6-7 साल के बच्चों, इनकी उम्र के बच्चों के साथ जो इतना हो रहा है सोसाइटी में, मतलब एवरीथिंग फ्रॉम रेप, सेक्सुअल अब्यूज, आजकल एक अच्छी डिबेट है, लोगों ने बात करना शुरू की है. अच्छा, मैं जब फिल्म देख रही थी आपकी और मैंने एक चीज़ फील किया कि उसके अंदर जो है बहुत सारे टॉपिक्स को बहुत खूबसूरत अंदाज में हाईलाइट किया गया है, उनके जो हमारे लूप होल्स हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में, उनको हाईलाइट किया गया है. और आपने किसी तरफ पिन पॉइंट नहीं किया, आपने अपनी ज़ात, अपनी फैमिली, अपने एक्सपीरियंस को लेकर किया है, विच इज़ मोर पर्सनल. बड़ा खूबसूरत बात है. तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब अभी के लिए अगर देखते हैं तो आज से कोई 5-7 साल पहले गुड टच और बैड टच बच्चों को आप नहीं बताते थे, आप उससे बात ही नहीं करते थे, मगर अभी के लिए उससे बात करने के बावजूद पेरेंट्स इस बात को एडमिट नहीं करते कि बच्चे हरास हो रहे हैं सेक्सुअली, वो उनके इंतहाई करीबी ताल्लुकदार लोगों से हो रहे हैं, उनके रिश्तेदारों से हो रहे हैं, रिश्तों से हो रहे हैं. एंड यू हैव मेंशन दैट वेरी इंटरेस्टिंगली,
कि हाउ योर मदर क्वेश्चन इन द एंड के एम आई नॉट अ गुड मदर, बट यू सेड कि यू आर अ गुड मदर एंड दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि पेरेंटिंग में जब आपको लगे कि अपने बच्चे को आप सेफ नहीं कर सकते ना, तो आई एम बीइंग अ मदर आई कैन टेल कि आपको अपने ऊपर सवाल उठता है कि शायद मैंने कोताही की. लेकिन देखिए बच्चों की, हमारे सब ये बच्चे सब हमारे बच्चे हैं, ये किसी और के बच्चे नहीं, हमारे मुल्क के बच्चे. तो ये जब आप ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, ठीक है ना, कि हम इनका ख्याल करें. और इनका ख्याल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हम अपने आप से झूठ बोलते रहेंगे, जब तक हम इतना सेक्स का हवा बना लेंगे, जब तक हम अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पर निकालते रहेंगे, जब तक हम ये बातें बच्चों को कंफर्टेबल नहीं करेंगे, अपने आप को एजुकेट नहीं करते, अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करते, और फिर वो साइकिल ऑफ अब्यूज़ रिपीट होती रहती है. तो मैंने आपने देखा, मैंने अपनी फिल्म में किसी का नाम नहीं उठाया, किसी को मैंने किसी को पिन पॉइंट नहीं किया, मैंने किसी, नहीं किया, क्योंकि ये कसूर किसी एक बंदे का नहीं है, ये सोसाइटी का कसूर है. और हमारी ये सोसाइटी जो हमने बनाई है, हमें उस पर काम करना है, हमें एक दूसरे पे काम करना है, हमें अपनी आवाज़ उठानी है, और हमें इकट्ठे कलेक्टिवली काम करना है. तो मेरी फिल्म का मकसद यही था बनाने का कि मैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करूँ, बिकॉज सिनेमा इज़ ऑल अबाउट स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन, इट्स अबाउट स्टार्टिंग you know relating to other people's experiences, and it's a very beautiful medium for helping spread knowledge. Definitely. अच्छा मुझे चीज़ बताएं, जब आपने इसका स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट किया, यू हैड ऑल द आर्काइव विद मी, और उस स्क्रिप्ट के दौरान ये तय करना कि ये पोर्शन इसमें रहेगा, ये पोर्शन गैर जरूरी ड्रैग करेगा आपकी बात पहुंचाने में, जिसको फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि पर्सनल फुटेज का मसला ये होता है कि बहुत अच्छी टीम थी. आई हैड अ वेरी गुड टीम ऑफ एडिटर्स, आई मीन माय एडिटर इज अमेजिंग, एचएन गानियो, एंड आई हैड राइटिंग पार्टनर्स मैट जोन्स एंड शेली थैपरमैन वाज माय स्टोरी एडिटर. सो आई राइटिंग इज ऑल अबाउट री राइटिंग, सो आई रोट री रोट री रोट. उमर मजीद हेल्प मी अ लॉट, माय प्रोड्यूसर सर्जियो कर्बी इज अमेजिंग, एंड सो यू नो आई रीवर्क द स्क्रिप्ट. But I also edited, re-edited, re-edited the film until I felt, अच्छा ये अब यू नो इट्स जस्ट राइट. इट वॉज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एडिटिंग प्रोसेस, क्योंकि जब इतनी सारी किस्म के मीडियम्स थे मेरे पास, VHS टेप्स, मिनी DV, हाई 8, फ्लिप कैम, iPhone, सो मेनी फुटेजेस यू नो आई हैड, एंड देन आई शॉट सम अदर काइंड ऑफ फुटेजेस, जैसे पैसे आ रहे थे वैसे मैं इंटरव्यू शूट कर रहा था. सो इट वॉज़ वेरी हार्ड टू एडिट दिस फिल्म. But because we were open, because I was open to ideas, open to creative storytelling, so I think it worked. Okay, lovely. But you have to be open, you know. Yeah, you have. It is a documentary. You have to talk about truth. You have to talk. You have to be objective. You have to be open, and you have to be creative. मुझे एक चीज़ बताएँ, while watching the documentary, or especially जो है Q&A session के दौरान भी, there came a moment where I felt कि आप बहुत जो है वो एकदम rush of emotion आपने face किया when you were talking about your dad. जब उनके फौत होने के बाद उन्हीं की शूट की फोटेज उनके सेल फोन से रिकॉर्ड की थी, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, आई डोंट नो, यू टेल मी हाउ वाज द इमोशनल जर्नी इटसेल्फ, उसमें से गुजरना, एडिट करना. यू नो इट वाज सो, सेल फोन आर सच अ स्ट्रेंज थिंग. अब 2011 की सब बात है, अभी नया नया आईफोन आया है मतलब, लेकिन मेरे अबू के पास हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती थी, मेरे पास खुद फ्लिप फोन था. ओके, तो उनका आईफोन था, उससे मैंने थोड़ी वीडियोस ली जब अबू बीमार थे, और मैंने जब उनकी वीडियोस में देखा था, मैंने देखा कि पैरेलल्स हैं हमारे. मैंने एक वीडियो ली, मेरे तोता मेरे साइड पे शोल्डर पे बैठा हुआ है मेरी कज़न का, और मैं ऐसे यू नो आई एम गोइंग अराउंड इन अ सर्कल, और अबू ने एग्जैक्ट वही फ़ोटो हरम शरीफ में मक्का में बिल्कुल वही ली. आई कुडंट बिलीव इट, यू नो आई लाइक वाह व्हाट अ जक्स्टापोजिशन, यू नो आई मीन आई वाज गोइंग थ्रू अबूज़ वीडियोस एंड यू नो बिकॉज आई वांटेड टू मेक अ कोलैबोरेटिव फिल्म, बट इट्स हार्ड बिकॉज how can you make a film about someone who has passed away? Yes. And how can you make a film about someone who is nobody? Abu was not a famous person. Abu to bas, you know, Abu the, wo to kisi koi nahi janta tha. So it was a challenge, you know. But so that was hard. But you have managed to make a beautiful film jo ki empathetic hai. It has that human element jo ki aap jis bhi caste se taluk rakhte ho, gender se taluk rakhte ho, jis bhi tabke se ho, you can relate to it. Because it's not just about your father and son relationship, it has much more to it. Wo log jo ki immigration karke bahar jate hain, immigrants hain, what kind of cultural shock and challenges they face, different age group ke logon ke liye kya difference uske andar hota hai experience ke andar, how when you out of your country, out of your comfort zone, aap apni values aur culture kaise kareeb se pakad lete hain, aur kahin par bhi ho sakte, it can be anyone. So matlab aur especially jab documentary khatam hui and the amount of emotions I felt in the room Q&A session ke dauran,
घर जाते हुए आई वॉज एक्चुअली वेरी मच मूव ये सोचते हुए कि ये वो डिस्कशन है, ये वो सवाल जवाब है. इट कैन बी एनी थिंग, नॉट जस्ट अबाउट द सेक्सुअल ओरिएंटेशन बट अबाउट द बिलीव, अबाउट द लाइफ की जर्नी है, अबाउट जिस एरिया में आप लाइफ के हैं, कि उनके जवाब या उनकी गुफ्तगु कोई नहीं कर रहा. एंड योर फिल्म इज़ वेरी मच सक्सेसफुल टू स्टार्ट दैट कन्वर्सेशन, इट्स ब्यूटीफुल. अच्छा मुझे बताएं कि जब बात है, मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि जब ये फिल्म लग रही है पाकिस्तान में तो मैं खुद बहुत इमोशनल हूँ इस बात के बारे में कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लोग देख रहे हैं, मैंने अपने लोगों के लिए फ़िल्म बनाई है और लोग समझ रहे हैं फिल्म, और जितनी अच्छी तरह यहाँ पाकिस्तान और हमसाए मुल्क वाले लोग समझ रहे हैं हमारी मेरी फ़िल्म, उतनी अच्छी तरह कोई भी नहीं समझ सकता. लेकिन आप यकीन करें दुनिया के हर हिस्से में जहाँ फिल्म मैंने अपनी दिखाई है, हर किसी ने फिल्म से रिलेट किया, आप यकीन करें. और यही ब्यूटी है एक इस तरह इतनी पर्सनल स्टोरी टेलिंग की कि वो फिर इतनी यूनिवर्सल स्टोरी बन जाती है. लेकिन पाकिस्तान में दिखाना तो बहुत ही उसका और मज़ा है, और जितने लोग रिलेट कर रहे थे स्टोरी से और जितने लोगों ने इतने अच्छे सवाल पूछे, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत बहुत मोहब्बत और प्यार महसूस हुआ लोगों का लाहौर में और इस्लामाबाद में. तो मतलब इट्स रियली स्पेशल. मुझे ये फील हुआ उसको देखते हुए व्हेन वी वर डिस्कसिंग बिफोर द डॉक्यूमेंट्री आपने दिखाई कि इट्स अ लव लेटर टू योर कंट्री, टू योर फादर. आई फेल इट्स प्लस इट्स अ लव लेटर टू योर ओन सेल्फ, समथिंग यू हैव सेड टू योर, यू हैव लाइक सेड टू योर ओन सेल्फ. खुद ना एक खुद कलामी भी होती है, ये वाली कैफियत महसूस हुई इसको देखते हुए. देखें जब आप हील कर रहे हैं ना, आप पहले तो अपने आप से स्टार्ट करते हैं, फिर आप अपनी कम्युनिटी से, फिर अपने मुल्क से, यू नो लाइक अपनी दुनिया से, यू नो दिस हाउ इट स्टार्ट्स, यू स्टार्ट विद योर सेल्फ. इसलिए बड़ा मुश्किल था ये फिल्म बनाना. अम्मी ने भी कहा कि क्यों बना रहे हो, बदनामी हो जाएगी ये वो. लेकिन मैंने कहा नहीं अम्मी, ज़रूरी है बनाना, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को हीलिंग की ज़रूरत है, हमारी कम्युनिटी को थेरेपी की ज़रूरत है. हमारी कम्युनिटी इतने मुश्किल मरहलों से गुजरी है. हमारे बच्चे देखें स्कूल नहीं जा रहे, बच्चा जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, क्यों? क्योंकि गुर्बत, यू नो. और ये इस तरह नहीं होना चाहिए. हमें इतना लंबा सफ़र तय करना है, तो अगर हम एक दूसरे की ज़िंदगी इस वक्त में आसान बना सकते हैं किसी तरह, क्यों ना बनाएं, ठीक है ना? क्यों ना हम एक दूसरे को हेल्प करें, अब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें, हील करें एक दूसरे को, क्योंकि हमारे लोग किसी से कम नहीं है, हमारा मुल्क किसी से कम नहीं है. हम जो चाहें हम अकॉम्प्लिश कर सकते हैं. हमारे मुल्क में इतनी खूबसूरत रिसोर्सेज हैं, इतना कुछ है, इतना जॉय है, इतना मतलब स्किल है, लेकिन इट्स अनटैप्ड. यू नो आवर कंट्री इज़ लाइक एन अनकट जेम. You know, it just needs that help, that push. So, I mean, I'm in my humble way trying to make that wave, you know, trying to start that conversation. And I'm very open to coming to Pakistan, helping more, make more films here. But Pakistanis also have to take a stand. They have to rise up. Pakistani government has to do something. They say, they have to say, you know, erase censorship, talk openly, make work, encourage good work. Or ye, you know, until you do that, your society is not going to progress. You should be able to criticize everybody and everything and improve everything. Without that, you're going to say stagnate as a people. تنقید برائے تنقید نہیں ہونا چاہیے بلکہ تنقید جو ہے وہ بہتری کے لیے ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا آپ شیئر کر رہے تھے کل رات بھی بات کہ آپ کی مدر نے جو ہے وہ آپ کی فلم کی اسکرینگ کافی لیٹ اس کو دیکھا, اس میں شامل ہوئی, اور وہ بڑا ایموشنل قسم کا مومنٹ تھا جب شی واز دیئر. ابھی کے لیے جو ہے جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہو اس لمحے کو ریکال کرتے ہو, سو واٹس دا فیل؟ دیکھیں یہ مطلب ڈاکیومنٹری فلم کا مقصد یہ ہے کہ آپ ریالٹی کو شو کر سکیں جتنی آپ اچھی طرح شو کر سکتے ہیں. لیکن یہ آئی وانٹیڈ ٹو میک اے فلم بٹ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو مینیپولیٹ پیپل, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو کنٹرول دا میسج بیکاز آئی ایم این ایکٹیوسٹ فرسٹ. سو آئی ڈیڈ, یو نو, آئی ڈیڈ ایڈٹ دا فلم, آئی ڈیڈ ویری ڈیلیبریٹلی, یو نو, میک دس فلم سو دیٹ دا میسج از کلیئر, سو دیٹ دا ویور کین بی انٹرٹینڈ, نمبر ون, اینڈ ایجوکیٹڈ. Very true. And also I wanted to make a film that was sincere. So ammi ka perspective wahi perspective hai. Ammi is very much religious person. Jo wo hain maine unhe waise hi dikhaya. Abbu jo hain unhe waise hi dikhaya. Main jo hoon maine waise hi dikhaya, you know. Aur ye bada zaruri hai kyunki main ye nahi kar sakta tha ki kisi ko main demonize karun ya kisi ko main neecha dikhaun. To ammi ko dar tha ki pata nahi kaisi film banayi hogi. Lekin jitne log dekh rahe hain, pasand kar rahe hain, baatein kar rahe hain film ke bare mein, aur jaise aapne pasand ki aur log itne, you know, itna acha applause kiya,
तो जितना ज़्यादा हो रहा है ऐसे उतना ही अच्छा फील हो रहा है मुझे, अम्मी को, हमारी फैमिली को, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने फिल्म अपने लिए नहीं बनाई, हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बनाई। वेरी ट्रू। मैं अभी ऐड करना चाहूँगी कि व्हेन यू मेंशन बिफोर वी सॉ द फिल्म कि ये फिल्म जो है ये आपको हिस्ट्री में से गुजार के लेकर आएगी, एंड यू आर सो राइट, क्योंकि हमें वो 80s का पाकिस्तान जो कि हमारी आज की जो यंग जनरेशन उन्हें नहीं देखा, दे हैव नो क्लू व्हाट काइंड ऑफ पाकिस्तान वाज इट, हमेशा से ऐसा नहीं था, बहुत सारे कहते हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं थे, लोकल जो थे वो लोग कैसे होते थे, उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, फैमिलीज एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग कैसे रहते थे, शहर कैसे होते थे, ये तमाम आप जब रिविजिट करते हो उस डॉक्यूमेंट्री में आपके उस फिल्म में, तो बड़ा मज़ा आता है उसको हमारे जनरेशन के लिए जिन्होंने उसको देखा हुआ अपने बचपन में, और हमारे अपने बच्चों के जिन्होंने नहीं देखा हुआ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन। बहुत शुक्रिया। आप देखें हम अपने ड्रामे वगैरह देखे बड़े हुए, कितने आला ड्रामे होते थे हमारे, ठीक है ना, तन्हाइयाँ, अनकही, ये वो, इतना मज़ा आता था, हमारी रिफ्लेक्शन होती थी कि ये हमारी मिडिल क्लास दिखा रहे हैं, हम ये लोग हैं, एक था सोना चांदी, यू नो, जो हर सारी दुनिया में फेमस हो गए ये ड्रामे, अब लेकिन अब जो ड्रामे बन रहे हैं वो मतलब सास बहू ये वो बकवास, और मतलब हमारी रियलिटी कहीं भी नहीं नज़र आ रही, तो जब थोड़ी सी भी रियलिटी नज़र आ जाती है हमें तो हम कहते हैं ओ माय गॉड, कितना अच्छा लगता है कि याद रखें हम कौन हैं, क्योंकि हम ये नहीं हैं जो हमें बनाया जा रहा है, हम तो बहुत इससे बहुत ज़्यादा हैं, कहीं बढ़कर हैं, हम तो पोइट्स हैं, लवर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, हम ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, हमें नाचना गाना पसंद है, हम खुले खाने पीने वाले, खुले मज़े करने वाले लोग हैं, हम ये नहीं हैं जो बंद 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 नज़रें बंद आँखें बंद चुप यू नो रहने वाले लोग ऐसे नहीं हैं, यू नो, तो मैं ये याद दिलाना चाह रहा था अपनी ऑडियंस को, तो जब ऑडियंस फिल्म मेरी देखते हैं तो फिर उन्हें याद आता है कि हाँ वाकई इतना हम इतने मज़ेदार लोग हैं हम, और कितना हम इन्जॉय करते थे, और ये जॉय हमें वापस लाना है अपने मुल्क में और ये कम्यूनिटी में वापस लानी है, ये होप for the future, you know. Definitely. So that's why I wanted to make a joyous, you know, I wanted to make a joyous film. I want to make a film which celebrates us, and also a film that's about reconciliation, but also about hope. Arshad, मुझे एक चीज़ बताएं, मैं सोच रही थी कि आपको फैमिली के साथ बाहर मूव करने का मौका मिला, आपने जी कितना बड़ा उसका कैनवस आपका हुआ सोच का, और आपको और भी कुछ मालूम है कि दुनिया में जो है बहुत और भी मसाइल हैं और भी तरह की सोच है, अगर आपको लेस अज्यूम के बाहर जाने का मौका ना मिलता, आप यहाँ पर होते, आप अपनी लाइफ को कैसे मुख्तलिफ पाते? मेरे दोस्त हैं जो बहुत से जो नहीं जा सके, जो यहीं हैं और या फिर बहुत लेट गए, यहाँ से चले गए, मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ रहता तो मेरी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ होती। बिल्कुल सही, जब आप बाहर चले जाते हैं तो बाहर आसान नहीं है ज़िंदगी, जैसे मैंने अपनी फिल्म में दिखाया, बहुत मुश्किल है और बहुत आपको अपना सीखना पड़ता है। सबसे पहली बात जो आप सीखते हैं वो ये है कि जो हम जो चीज़ें हम ग्रो अप करते हैं जो प्रेजडिसेस के साथ, वो बिल्कुल फेक हैं, फॉल्स हैं। बाहर जाके तो मतलब हमारे सबसे अच्छे दोस्त जो हैं हमारे, वो हमारे हमसाए मुल्क के लोग ही बन जाते हैं, बांग्लादेश सब लोग सेम ग्राउंड पे वो सबसे हमारे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, वो हमें सबसे ज़्यादा गाइडेंस देते हैं, मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, हमारे गाने, हमारा डांस, हमारे फिल्में, ड्रामे, कल्चर, वो सब हमारे साथ शेयर करते हैं, तो एकदम से रियलाइज होता है कि ओ माई गॉड कैसे हम क्लोज माइंडेड एरिया में। इधर आ जाओ बच्चा, इधर आ जाओ, साथ बैठ जाओ हमारे, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आओ इधर, आ जाओ, कोई बात नहीं, लड़ो नहीं, वो बैठ के ईंट पे बैठना है किसी ने, इधर आ जाओ तुम, इधर आ जाओ। अच्छा, अब जब आप देखते हो कि अभी के लिए इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर एक नई डिबेट स्टार्ट हुई है जो कि बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज को लेकर है, आपके ख्याल में उस हवाले से हमें जो है वो अपने बच्चों को इक्विप्ड करने के लिए और पेरेंट्स को ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि कहाँ पर नज़र रखें, बच्चों को सेफ किन लोगों से करना है, व्हाट्स इम्पॉर्टेंट? बात यह है कि मेरा इसमें तो बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है इस चीज़ों में, हम बहुत पीछे हैं। बात यह कि आपको पहली तो बात है सेक्स को हवा नहीं बनाना, सेक्सुअलिटी को हवा नहीं बनाना, और उसके मतलब ओपन डिस्कशन करनी है और बच्चों को बताना है कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, और क्या मतलब किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर आपको बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चे बहुत वो डिसएम्पावर्ड हो जाएंगे, इतना आप शेल्टर नहीं कर सकते बच्चों को, फिर वो उसी चीज़ के लिए ये जो प्रेडेटर्स हैं या सेक्सुअल प्रेडेटर्स, इनका इनकी जो सारी गेम है वो डिपेंड करती है बच्चों के चुप रहने पे, डराने के और सोसाइटी चुप रहे, बात ना करे, खुल के बात ना करे। अगर इनसे ये ले लिया जाए तो फिर तो कोई पावर खत्म हो, उनकी पावर ख़त्म हो जाएगी, और ये लोग आप यकीन करें अ लॉट ऑफ टाइम्स ये खुद जो अब्यूज होते हैं वो अब्यूज़र बन जाते हैं। तो उनको एक दफ़ा जब
शट अप कॉल दे दी जाए या उनको अवेयर कर दिया जाए इस बात से कि आप गलत कर रहे हैं, तो वो शायद रुक जाएं, यू नो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब सोल्यूशन तो सिर्फ एक नहीं है, बहुत से हैं, लेकिन गलत सोल्यूशन बहुत सारे हैं, यू नो। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें और अपनी फैमिली में ओपन कॉन्वर्सेशन रखें, कम्युनिटी में ओपन कॉन्वर्सेशन रखें, उसके अलावा कोई नहीं है। सजाएं आप बेशक जितनी मर्जी देते रहें, पनिशमेंट से कोई क्राइम रुकता नहीं है, पनिशमेंट इज़ नॉट अ डिटरेंट। और ज़्यादातर अक्सर जब पनिशमेंट आप देते हैं तो वो जो रियल कल्प्रिट होता है, अगर उसके पास पैसा शैसा हो तो दे गेट अवे विद इट, वो किसी इनोसेंट को मिल जाती है यू नो सज़ा। सही। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री में एक पॉइंट पर आपकी सिस्टर का इंटरव्यू है और उनकी खूबसूरत मुझे बात लगी कि जो बच्चों को अब्यूज़ कर रहे होते हैं उनका ख्याल ये होता है कि चूँकि बच्चा उसको याद नहीं रहेगा तो लाइक वो ये एक सॉफ्ट टारगेट है, हालांकि वो भूल जाते हैं कि वो याद रहता है वट एवर हैपन्स टू देम। सो इस सारी बातचीत में जो है वो ये डिबेट कि हाँ सज़ा अपनी जगह, लेकिन आपको जो है वो सिक्योर करने के लिए बच्चों को बात करनी पड़ेगी खुल के। बिल्कुल सही। अच्छा अर्जित, मुझे बताएगा कि अभी के लिए नेक्स्ट आपका क्या प्लान है, व्हाट्स नेक्स्ट इन द पाइपलाइन? I'm working on fiction films. Okay. I'm making a comedy, okay. You know, in Canada, and I'm developing a project in Pakistan as well. Okay. So it's going to be fiction films next for me. Yeah. Lovely. I'm, you know, the thing is कि अब अबू का जर्नी खत्म हो रहा है। शुक्र है कि अब मैं बाप literally the film I'm bringing to rest in Pakistan and you know doing these screenings and now I can really very well move on. कि अब अच्छा, this was the most anxiety inducing. मैंने कहा कि पाकिस्तान में कैसे लगेगी, कैसे लाएंगे लोग, कैसे इसे रिसीव करेंगे, लेकिन इतना अच्छा इसका रिसेप्शन हुआ है तो आई एम हैप्पी नाउ, यू नो। तो अब नाउ आई कैन रियली मूव ऑन विद माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड यू नो आई वांट टू आई एम गोइंग टू डू सिमिलर स्टोरी टेलिंग, थोड़ी मजाया थोड़ी दुखी, यू नो, बिकॉज दिस इज लाइफ, हैप्पी एंड सैड, एंड दिस इज मी, हैप्पी एंड सैड, एंड दिस इज व्हाट वी ऑल लिव विद, यू नो। सो होपफुली नेक्स्ट फिल्म ऑल्सो विल बी एंटरटेनिंग एंड फन एंड ट्राई टू गेट अ capture a bigger audience. Thank you so much. And thank you. Wish you all the luck for your next project. Abu is a beautiful film and thank you so much for sharing your journey with us. Thank That's you. The best please part. You can follow me on Abu Movie. Yes, please. AbuMovie.com is my website. Arshad Films on Facebook. Abu_Movie is my Twitter handle. So you can follow me and check out all my adventures. Excellent. Thank you so much. Thank you. और इसी के साथ इजाज़त आपसे लेते हैं, इंशाल्लाह व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम अपने नए प्रोजेक्ट के साथ, वी वुड लव टू सी एंड हियर अबाउट इट। इंशाल्लाह। थैंक यू जी।